लेकिन यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं 1932 का वादा क्या हुआ, जब 23 तक का ही करना था तो 32 का नारा क्यों लगाई थी सरकार? भाजपा वाले लोगों को पूछिए कि गिरिडीह में बैकड्रॉप क्यों लगाया था उन्होंने, और 2018 में नियोजन नीति में क्यों, 2018 के नियोजन नीति में क्यों लाया था 2018 का नियोजन नीति, और फिर 32 में क्यों चले गया, फिर 32 से बैक कैसे हो गया? तो भाजपा जो है दोहरा चरित्र प्रस्तुत कर रही है, कभी हिंदी के पक्ष में बोलती है, कभी हिंदी के विरोध में बोलती है, कभी संस्कृत के विरोध में बोलती है। भाजपा स्पष्ट करे ना, और जो ये ट्विटर करके माहौल को बिगाड़ कर 16,000 लोगों ने ट्वीट किया, 4.5 लाख लोगों को दिखा दिया, ये तो फर्जी लोग हैं, झूठे लोग हैं। आप भी तो 5 लाख वादे किए थे, आप भी तो 5 लाख का वादा किए थे। हम तो 5 लाख का वादा किए, तभी तो हम कर रहे हैं, इस पे लगे हैं। लेकिन बीत गई है। अरे भैया, तो आप भाजपा के लोगों को नहीं पूछ रहे कि 8 साल का कार्यकाल हो गया मोदी जी ने? भैया हमसे, हम ही बोल रहे हैं ना, सुनिए तो, बोले भी नहीं दीजिएगा। 5 साल मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, तो 5 साल पूरा करने पर कितना होता? 10 करोड़। और 8 साल में कितना होता? 16 करोड़। 50 लाख लोगों को रोजगार मिला क्या? तो भाजपा के लोगों को नहीं पूछ रहे हैं? अरे भाई, हम तो लगे हुए हैं, हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है क्या? 4 साल में 300 करोड़ आपका आया है, उसको लेकर। अरे भैया, हम तो लगे हैं, लेकिन आप पूछिए ना कि जो ये भाजपा के लोग पीछे दरवाजे से कैसे हमला कर रहे हैं, सदन से लेकर न्यायालय तक में धोखा कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।